तो हम फाइनली मंदिर पहुंच जाते हैं। वो आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच इतना शानदार मंदिर, और इस टाइम लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी होगी। बट हम जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचते हैं, हम यहाँ करते हैं मंदिर में सबसे पहले दर्शन, बहुत ही अच्छा अद्भुत और शीतल। उसके बाद यहाँ मनीषा को मिलता है गाना गाने का एक मौका, और इसका गाना सुनिए, आपको भी शायद पसंद आएगा। और कमेंट करके जो बताएंगे कैसा लगा गाना इसका। मंदिर में गाना गाने के बाद और दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, देखा जाता है कि बहुत ऊपर जाके एक नीचे पानी गिरता है। अब ये अपने में मिस्टीरियस है कि पानी गिरता है तो किस पे गिरता है, ये देखने वाली चीज़ है। देख सकते हैं आप जैसे कि कितना, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं ऊँचाई पर जाके, बहुत ऊँचा अंजनी महादेव का असली नज़ारा ऊपर से आता है, ऊपर से पानी गिरता है, ये नहीं पता किस पे गिरता है, लेकिन अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पर न जाने कितनी सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन हम चले हुए आराम से इंजॉय करते हुए अपने एनवायरनमेंट का। और आस पास देख सकते हैं हर एक ग्रीनरी ग्रीनरी है, पानी पानी है, ऊपर से पानी नीचे बह रहा है। बट ये पानी गिरता कहाँ पर, वो तालाब है ऊपर क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम फाइनली ऊपर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें बजरंगबली जी के, जय बजरंगबली, जय हनुमान। और मैं आपको दिखाता हूं ऊपर से पानी बह रहा है, ऐसा सुनने में आता है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, बस एक झरना है जैसे आप देख सकते हो, ऊपर से पानी बह रहा है। बट ये नहीं पता ये पानी बह तो बह किस पे रहा है, गिर किस पे रहा है ये पानी। इस राज का पता करने के लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें, मैं अगली वीडियो में इस बात को जरूर डिस्कस करूँगा ये पानी किस पे आ रहा है, कैसे नीचे आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल वाटर, और कुछ